दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस ने न तो अब तक केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देने का ऐलान किया और न ही कोई ऐसा संकेत दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने केजरीवाल को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का वक्त भी नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने सियासी रैपर में लपेटकर कांग्रेस को धमका दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये कांग्रेस को तय करना है कि वह संविधान और जनता के साथ है या मोदी के। केजरीवाल के इस बयान पर कांग्रेस बुरी तरह से भड़क उठी और पलटकर अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, जब चर्चा होगी तो निर्णय करेंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अध्यादेश के खिलाफ हम नहीं तो मोदी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को बनाया है, इसे संवारने की जिम्मेदारी भी हमारी है, इस पर इतनी जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल के झारखंड आने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आगमन पर तंज कसा। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का जमावड़ा बताया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के आने से भगवान बिरसा की धरती अपवित्र हो गई। देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई बढ़ी है और इसके कारण भ्रष्टाचारी और उनके संरक्षक बेचैन हैं। दीपक प्रकाश ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वालों की पोल खुल चुकी है। अन्ना हजारे के आदर्शों को ठेंगा दिखाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकारों की कथनी और करनी का अंतर उजागर हो चुका है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल सरकार के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में कैद हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री का चरित्र जगजाहिर है। पंजाब में 1.5 वर्षों में 2 ही मंत्री विजय सिंगला सौजा सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप में भाजपा के आंदोलन पर बर्खास्त करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।